मेरा नाम तंजीम अख्तर है, मैं सोशल वर्कर न्यूली अपॉइंट की गई हूँ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स फॉर वुमेन्स सपोर्ट एरिया में। मैं यहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर, हमारा एक ऑफिस है वुमेन्स सेल, एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश था यहाँ पे पहले से ही, और एक ये नया ऑफिस ओपन हुआ है स्पेशल सेल फॉर वुमेन, इसको नेशनल कमीशन फॉर वुमेन सपोर्ट कर रही है। ये एक सिविल डिपार्टमेंट है इसका। हमारा थोड़ा पुलिस स्टेशन में ये ऑफिस ओपन करने का ये थोड़ा रहता है कि हमारा ज़्यादा वुमेन के केसेस को हम डील करते हैं, वुमेन का कैसा भी कोई भी इशू होता है हम उसको देखते हैं और उनको सुनते हैं, काउंसलिंग का हमारा केसेस रहते हैं, काउंसलिंग का रहता है थोड़ा। तो उसके बाद जैसे हमें पुलिस की सपोर्ट की ज़रूरत है, कहीं कोई FIR वुमेन लगवाना चाहती है, कोई ऐसा केस होता है, तो हम पुलिस की हेल्प से बहुत सारे, हमें पुलिस की हेल्प ज़रूरत होती है। वैसे हमारा बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ भी बहुत सारा रेफरल रहता है, जैसे इसके साथ OSC वन स्टॉप सेंटर है, ये भी एक गवर्नमेंट का ही है जहाँ पे शेल्टर प्रोवाइड करते हैं वुमेन को, जैसे कोई वुमेन इमरजेंसी में है उसको शेल्टर की ज़रूरत है तो वहाँ भी वन स्टॉप सेंटर वालों के साथ हमारा एक लिंक रहता है, हम उस लिंक के थ्रू हम उस वुमेन को हम 7 दिन तक शेल्टर इमरजेंसी प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके बाद हम अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं बहुत सारे, लाइक वुमेन्स को पता नहीं होता है कि ये अभी पता नहीं है बहुत सारे लोगों को कि यहाँ पे एक स्पेशल सेल खुला है, या बहुत सारे ऐसे ड्रग्स को लेके होते हैं बहुत सारे केसेस घर में वुमेन्स के साथ, जैसे मोस्टली हमने देखे वुमेन्स सेल में ड्रग्स लेके जो हस्बैंड है वो मारते हैं बीवियों को, और बहुत सारी वो अब्यूज़ हो रहा है वुमेन के साथ। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि हम स्कूल्स में भी प्रोग्राम करवाएंगे और कम्युनिटीज़ में, रूरल एरियाज़ में भी प्रोग्राम करवाएंगे। अभी हमारा जस्ट अभी 2 महीने नहीं हुए हमारे इस ऑफिस को इस्टेब्लिश हुए, तो हम आस्ता आस्ता, हमारे पास इस मंथ सितंबर का मंथ हमारा कंटिन्यू यहाँ पे रहा है, तो हम आस्ता आस्ता और भी करेंगे। इस मंथ में हमारे पास केसेस रहे 7 से 8 तक केसेस रहे हैं वुमेन के, तो हमने उनको अच्छे से डील किया है। अभी भी हमारी वो लिंकेज में हमारा ये काम भी रहता है फॉलो अप का, हम 6 महीने तक उस केस को फॉलो करते हैं और पूछते हैं वुमेन के साथ कि क्या वो अब जिस सिचुएशन में है वो अच्छे से रह रही है कि नहीं रह रही है, तो मेन ये भी चीज़ रहता है फॉलो अप का, तो हम ये भी देखते हैं। तो मैं आपके माध्यम से एक मीडिया के थ्रू ये लोगों तक मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ कि अगर कोई भी औरत या छोटे बच्चे, माइनर का भी केस हम देखते हैं, कोई भी ऐसा केस है तो वो यहाँ पे आएँ और हमारे साथ डिस्कस करें, हम उनको स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी सपोर्ट करते हैं। तो जैसे मेरी कोवर्कर ने बताया कि ये एक सेफ प्लेस है वुमेन्स के लिए, अगर मैं ये एक मैसेज देना चाहती हूँ कि कोई भी वुमेन, जो भी कोई भी लड़की इस चीज़ को सुन रही है, वो बिना झिझक से यहाँ हमारे पास आ सकती है, बिना टेंशन से उसकी प्राइवेसी को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, बिना टेंशन लिए वो हमारे पास यहाँ आ सकती है, हम उसको अच्छे से सुनेंगे और उसकी जहाँ तक ज़रूरत होगी हम उसके साथ उसकी हेल्प करेंगे। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इसने कोवर्कर ने शेयर कर दिया है, तो आप हमें किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया। फ़ोन पे भी हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहे, कोई इमरजेंसी में है, कोई फ़ोन पे हमारे, हमें केस बताए कि हम इस चीज़ से सफ़र करें, वो भी हम सुनते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो ऑफिस ही पहुँचे, वो हम बाहर से भी सुनते हैं, हमारा कांटेक्ट नंबर है। तो मैं आपके माध्यम से वो कांटेक्ट लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, अगर वो हमें फ़ोन कॉल करें कहीं भी, हमारे ऑफिस की टाइमिंग रहती है 10 से 5, अगर वो इमरजेंसी में है हम किसी भी टाइम उनका केसेस सुन सकते हैं। ये हमारा कांटेक्ट रहेगा 8899258744, तो ये कांटेक्ट रहेगा, अगर किसी को फ़ोन पे बात करनी है हमारे से कांटेक्ट करने की कोशिश करें और हम उनकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।